ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की प्रोपगेशन आपस में 90 डिग्री पे है, ये प्रूफ किया जाए। तो इसके लिए काम करना है, सपोज करो ईएम वेव ट्रैवल कर रही है, ईएम वेव आगे ट्रैवल कर रही है, ईएम वेव दिख तो रही नहीं है, तो आपने एक वॉल्यूम ले लिया, तो आपने इमेजिन किया कि यहाँ पर एक क्यूब है, तो क्यूब के अंदर से आपने बस क्यूब का वॉल्यूम ले लिया, तो यहाँ से ईएम वेव ट्रैवल कर रही है। मेरे को ये प्रूव करना है कि अगर वेव की प्रोपगेशन राइट है, अगर वेव की प्रोपगेशन राइट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कहाँ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि हम ये उल्टा एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव प्रोपगेशन के साथ है, जबकि मुझे पता हो नहीं सकता, और मैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दूंगा कि मेरी अजम्पशन गलत है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड साथ है और वेव की प्रोपगेशन भी साथ है, क्योंकि ये क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो इसमें छः फेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छः फेस का ई डॉट डी एस क्या होगा, जीरो। अब इन छः फेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने कहाँ मानी, राइट, तो इसका एरिया कहाँ है, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड का है राइट, तो इसका फ्लक्स जीरो, इसका फ्लक्स भी जीरो, इसका और इसका फ्लक्स भी जीरो, बचे कौन, सिर्फ दो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक तरफ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑपोजिट है, तो एक में एंगल जीरो होगा, एक में एंगल 180 होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये देखो, सब जीरो कर दिए, एंड में बस एक ये फेस बच गया, एक ये फेस बच गया, टोटल फ्लक्स अभी भी जीरो है। अब एंड में काम करेंगे, एक में एंगल जीरो, एक में एंगल 180। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं हो सकता, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई एक्स है, यहाँ पर ई एक्स डैश है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी चेंजिंग इन नेचर, चेंजिंग इन नेचर। तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक में ई एक्स है, एक में ई एक्स डैश है, तो यहाँ से कॉस जीरो, कॉस 180 माइनस 1 है, एरिया, एरिया भी कट गया, जीरो से गया, तो क्या बच गया, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू जीरो, या ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश। अब ई एम वेव की तो पहली कंडीशन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कांस्टेंट हो नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स और ई एक्स डैश इक्वल तो हो नहीं सकते, इसका मतलब दोनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपगेशन के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कहाँ करेगा, 90 पे करेगा। कोई कहता है 90 पे नहीं कर रहा, 60 पे कर रहा है। अब तो वेव प्रोपगेशन 60 पे कर रहा है, तो आप ई के दो कॉम्पोनेंट लेंगे, एक कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे जा नहीं सकता, डिसाइड हो गया, तो फिर ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसलिए इसको 90 पे ही होना पड़ेगा, और ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पे है। और अब मैग्नेटिक फील्ड लिख देना, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड कि मैग्नेटिक फील्ड भी 90 पे ही है, बस कह के काम खत्म। तो इस तरीके से ट्रांसवर्स नेचर किया जाता है प्रूफ, हालांकि आता नहीं है पेपर में, बट हाँ, पर फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक। और उसी तरीके से अगला एक्सपेरिमेंट है हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट।